हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ज्योस्ना सागर ऑल इन वन आज मैं लेकर आई हूँ झटपट बनने वाली इंस्टेंट मिल्की बार की रेसिपी मिल्की बार को बनाना सच में बहुत ही आसान है और जिस तरीके से मैंने ये मिल्की बार बनाई है उसे देखने के बाद तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और बच्चों की तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट भी होती है और बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है कम से कम बजट में मैंने इसे बनाकर तैयार किया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आएगी कुक विद ज्योत्ना सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेसिपी देखने के बाद सब्सक्राइब करिए लाल बटन ज़रूर दबाइए पूरी तरीके से फ्री है मिल्की बार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वन टेबलस्पून पाउडर शुगर का यूज़ किया है अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो कोई बात नहीं अब नॉर्मल शुगर को ही मिक्सी में पीस लीजिए इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है दो टेबलस्पून स्पून डेसिकेटेड कोकोनट लिया है आप चाहे तो कोकोनट के बजाय आप काजू को भी मिक्सी में पीस सकते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर लिया है दो टेबल वाटर लिया है और वाटर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे आप चाहे तो पानी की के बजाय दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड है पाँच मिनट के लिए इसको ढक कर रखेंगे चलिए पाँच मिनट बाद इसे हम चेक करते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं ये देखिए हमारा ये इसमें डेसिनेटेड कोकोनट और चीनी पूरी तरह से ऑब्जर्व हो चुके हैं अब मैंने इस स्टेज पर डाला है आधा कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर तो वैसे भी नॉर्मली सभी के घर में अवेलेबल होता है क्योंकि कई बार घर में दूध नहीं होता है तो दूध की बजाय हम इसी के इस्तेमाल करते हैं अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसका हमें डो तैयार करना है तो ये चम्मच की हेल्प से पॉसिबल नहीं है तो चलिए चम्मच को हम रख देते हैं साइड में और चलिए अब हाथों से ही हम इसका डो तैयार करेंगे मैंने यहाँ टू टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया था और जितना मैंने यहाँ पानी इस्तेमाल किया है पूरी तरह से परफेक्ट है ज़्यादा पानी डालने से हमारा डो ठीक से तैयार भी नहीं होगा इसे हमें लगातार अच्छे से बढ़िया सा फाइन सा डो तैयार करना है थोड़ा सा ये स्टिकी भी हो सकता है ये चलिए स्टिकी ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा देसी की थोड़ा सा मैंने देसी अप्लाई किया हाथों में इससे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा और इसका एक बढ़िया सा डो तैयार हो जाएगा ये देखिए लगातार हमें इसे अच्छे से इसे मिक्स करना है रब करना है और इसमें बिल्कुल भी दरारे भी नहीं होनी चाहिए जितना ये सॉफ्ट होगा उतनी ही अच्छी हमारी मिल्की बार बनेगी और टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा ये देखिए मैंने इसे लगातार अच्छे से रब किया है चलिए देखिए हमारा अब ये डो भी, भी तैयार हो चुका है चलिए अब बढ़ते हैं आगे मैंने यहाँ पे ली है एक स्टील की प्लेट अब मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी अप्लाई किया है इस तरीके से इससे हमारी मिल्की बार बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी और आसानी से निकल भी जाएगी आप चाहे तो इसकी बजाय बटर बिल का यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी तरीके से आप पर डिपेंड है ये देखिए इस तरह से हाथ की हेल्प से मैंने इसे प्रेस कर दिया है आप चाहे तो यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसकी हेल्प से भी इसे आप शेप दे सकते हैं मैंने इस तरह का यहाँ पे लिया एक चमचा और इस तरीके से मैंने इसे हल्का हल्का करके प्रेस किया है और मैं अभी इसे एक रेक्टेंगुलर शेप दूंगी ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले सकते हैं और उसमें भी आप इसे शेप दे सकते हैं ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड है पर मैंने इसी तरह के मेथड से मैंने इसे रैक्टेंगुलर करके शेप दी है ये देखिए और ज़्यादा इसे बहुत टाइम भी नहीं लगेगा मुश्किल से दो मिनट के अंदर ही इसकी इस मिल्की बार की शेप भी बन के तैयार हो जाएगी ये देखिए मैंने इस तरह से इसे शेप दे दी है और हल्का हल्का मैंने प्रेस किया है इसे चलिए अभी तैयार है अब बढ़ते हैं आगे अब यहाँ लिए हैं मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम ये पूरी तरह से ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो इसके बिना भी हमारी मिल्की बार का टेस्ट बहुत ही अच्छा है ये पूरी तरह से ऑप्शनल है चलिए अब मैंने यहाँ पर थोड़े से कटे बादाम लगा दिए हैं हल्का सा फिर से ये लेंगे चमचा और प्रेस करेंगे इसे ताकि ये बादाम भी इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए चलिए अब ये पूरी तरह तो से तैयार है अब इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए चलिए एक घंटा हो चुका है हमारी ये मिल्की बार भी तैयार हो चुकी है अब देख सकते हैं ये अच्छे से सेट भी हो चुकी है चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे एक चाकू क्योंकि अब हम इसे कट करना है मैंने यहाँ पे इसके इस तरीके से चार टुकड़े किए हैं ये देखिए आप चाहे तो इसके चार की बजाय पाँच टुकड़े भी कर सकते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसके यहाँ पे बार बना रहे हैं इसलिए मैंने इस तरह से इसके लंबे लंबे पीसेस किए हैं इसलिए मैंने इसे बर्फ़ी के शेप में नहीं काटा है ये देखिए कितनी आसानी से हमारी ये मिल्की बार बनके तैयार भी हो गई है और प्लेट में जो मैंने देसी घी लगाया था उसकी वजह से ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुई आराम से निकल भी गई है ये देखिए हमारी मिल्की बार पूरी तरीके से तैयार है आप देख सकते हैं इसे बनाना सच में कितना ही आसान है और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय और बजट की भी ज़रूरत नहीं है तो जब भी आपके बच्चे बोलें कि आपको मिल्की बार खानी है तो आप घर में ही तैयार कीजिएगा अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब का ये लाल बटन ज़रूर दबाएँ मैं इसी तरीके से ईजी और सिंपल रेसिपी पोस्ट करती रहूँगी कुक विद वीडियोजन सागर में आपका स्वागत है लास्ट में मैंने इंग्रीडियंट्स भी लिख दिए हैं आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं बाय